किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि थक कर जब उसकी आंख बंद होती है माँ तब भी फिक्रमंद होती है जब वह सोती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवम एक और नई कहानी के साथ। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे, फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुम्हें समझ नहीं आता क्या, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मुबारक देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने मुझे हर दिन तेरे बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ए जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फार ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में, और अगर उससे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफी मांगी जिसने उसे गले से लगा लिया, फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा, तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन
मैं उसे समझा दूंगा जैसे मैं आज तक मैं उसका ख्याल रखते आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया है ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। जल्द हाजिर होऊंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।